हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूशी फैशन वर्ल्ड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी और अच्छी और न्यू अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए आज का टॉपिक है हमारा चिकन कढ़ाई, और आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई क्योंकि हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा दही, टमाटर प्याज का पेस्ट, और साथ इसमें हमने डाला है कुछ धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी। तो अब ये बन रहा है और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है सफ़ेद जीरा। तो ये हम बनवा रहे हैं तारीख चिकन कढ़ाई। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मसाला भुना जा रहा है अभी, अभी इसमें हमने चिकन नहीं डाली है, अभी हम इसमें चिकन बाद में ऐड करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के वो भी हल्की आंच। सो गाइस, ये हमारा मसाला गल गया था तो इसमें अब हमने चिकन ऐड कर दिए। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जीरा, कुटा हुआ लहसुन और अदरक। ये हम किस लिए ऐड करते हैं, ताकि ये चिकन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और अब हम आँच थोड़ी तेज़ कर देंगे और इसको अब भूनना शुरू करेंगे। चिकन को अच्छे से भूनेंगे हम। और गाइस, भूनते हुए हम हरी मिर्चों को बीच से कट लगा कर तो इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से भूनेंगे तेज आंच पर। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट भुन चुका है। 2 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे, भून रहे हैं हम इसे अभी। तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ काली मिर्चें और इसको हम अच्छे से इसके साथ भूनते जाएंगे। तो भूनते हुए हमने गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसका मसाला रखी हो गया, थोड़ा सा पानी होगा और इसको हम लगातार भी भून रहे हैं कि फुलाई अच्छे से होगी तो ही इसका कलर भी निकलेगा और इसका टेस्ट भी आएगा। मोतियाँ जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उसका टेस्ट इतना ही मज़े का होगा। चाहे आप इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा ग्रेवी वाला बनाएं तब भी इसका टेस्ट ऐसे ही होगा। बस इसकी भुनाई जी व्यूवर्स, ये अब भुनाई हो चुका है। अब हम इसमें जितना आपने पानी रखा है उसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखें गोटियाँ कितनी अच्छी गल चुकी हैं और जो साइडों पे कढ़ाई से लगा है आप उसको भी उतार लें। और मैं तो इसको थोड़ा सा कम पानी वाला बनाऊंगी, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी इसमें, क्योंकि अभी इसको पकना भी है। आप अगर पानी ऐड करना चाहें तो करें, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब इसमें और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और आप इसको ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें।